हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल। तो गाइस, आज पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स कहूँगा। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत पसंद आए आप लोगों के सारे कमेंट्स। तो पहले तो एक बार सबके लिए धन्यवाद, और सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे मैं एक एक करके शो करते जा रहा हूँ। प्लीज़ देखते जाओ, कमेंट्स बहुत प्यारे मारे यार, बहुत अच्छा। जो जो आपके डाउट्स थे आपने इस बार उसको लेके कमेंट्स किए हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया, अच्छे से लगे मेरे को, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा। और देखो, मैंने आपको बहुत जगहों पर उसके रिप्लाइज़ करे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको यूट्यूब पर, आप कहीं पर जाओ, आपको रिप्लाई नहीं मिलता है हर चीज़ का। बट आई स्टिल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। नाउ बात करते हैं, आधे से ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं हमारे, वो कमेंट्स आए हुए किस चीज़ को लेके? वो आए हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके, एसएससी पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो उस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि आप प्रॉपर वे तो नहीं है, मैं एक्चुअली शॉर्ट वीडियो बना के इस वक्त ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली आई एम आउट ऑफ स्टेशन, सो आई एम नॉट प्रॉपरली हैविंग द फुल स्टफ। बट आप लोगों के कमेंट देख के बहुत बच्चों ने डाला था जल्दी से नॉर्मलाइजेशन को लेके वीडियो डालो, तो मैंने उसको थोड़ा सा आपको एक सारांश दिया है। और बिल्कुल प्रॉपरली बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ा आएगा, बट पहले अभी आप समझ लो चीज़ों को। जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो नॉर्मलाइजेशन आपका एसएससी में क्या होता है, जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपने लास्ट वीडियो देखी थी मेरी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाओ उसको पहले कंप्लीट देखो, अपना रिव्यू लो वहाँ से कि आपका रॉ स्कोर कितना रहा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पहले एडजस्ट कर लो कि आप यहाँ पर लाइक करते हो। अभी हम बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर हम बात करें, तो आप पहले अपने आप को उस स्कोर के अकॉर्डिंग ढाल लो। अब अगर आप उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपका मैच बन रहा है, और आप उसको स्कोर को आप क्रॉस कर लेते हो, या उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप ऊपर मार्कआउट कर लेते हो, अपने आप को एक हेड ऑफ एक रीच पे ले लेते हो कि आपका हो सकता है, मीन्स आपको इंटरनल फील आ रहा है कि यार इस रैंक पे तो मेरा इजीली हो सकता है, तो उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो? अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि नॉर्मलाइजेशन जो एग्जैक्टली होता है ना, वो नॉर्मलाइजेशन आपका किस चीज़ पे होता है पता है आपको? वो नॉर्मलाइजेशन आपको कैसे होता है, देखो आपके जो भी मार्क्स आते हैं, रॉ स्कोर होता है, और जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस टाइम पे आपका जो स्कोर होता है ना, उस पे मार्क्स इंक्रीज़ होता है। अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रही है। अब मान लो इस नॉर्मलाइजेशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक पेपर दे दिया, ठीक है, मेरे मान लो मेरे मैंने 100 मार्क्स का पेपर दिया, और 100 में से मेरे आए आपके 60 मार्क्स, ठीक, आई गॉट ओनली 60 मार्क्स, मेरे इतने ही आए। अब मेरे 100 में से 60 आए, सिंपल सी चीज़, और मेरे को ये पता था कि, या मेरे को नहीं भी पता था, बट मेरे को बाद में ये तो कन्फर्म हो गया था कि हमारी शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा क्या था, टफ था। नेक्स्ट डे एक और शिफ्ट हुई, उसको किसी बच्चे ने और ने पेपर दिया, और उसका जो बढ़िया से मार्क्स बने उस पेपर पे, उसके बन गए आपके 85, ठीक है, और वहाँ पे जो लोएस्ट मार्क्स आए, यानी 85 से जिसके, मतलब जैसे मेरे 60 आए अपने बैच में, मेरे सबसे कम आए, मान लो मेरे 60 मार्क्स तक का ही स्कोर गया रॉ स्कोर, तो मेरे कम मार्क्स थे सबसे, तो उसके उस वाले बैच में जो नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें वहाँ पे रॉ स्कोर गया 75, यानी यहाँ वाली शिफ्ट में मेरे उसमें रॉ स्कोर गया 60, जो सबसे कम मार्क्स गए वो 60 तक का गए, ठीक है, और उधर जो नेक्स्ट शिफ्ट हुई वहाँ पे गए 70 तक, यानी 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, वहाँ का पेपर इजी था, यहाँ का 10 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो मेरे जो मेरा बैच होगा ना, इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, मेरे को उस वहाँ तक का पहुँचाया जाएगा जहाँ पे 70 मार्क्स आए, यानी मेरे 60 आए थे वहाँ 70 हाईएस्ट था, तो इस वाली शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए जाएंगे, यानी मेरे 60 से 70 तक का मेरे को पहुँचाया जाएगा, तो मेरे भी 70 हो गए, उस बैच वाले के भी 70 हो गए, और जिसके एक बैच में 50 आए होंगे तो उसको भी उस 70 तक पहुँचाया जाएगा। तो ये आपका बेसिकली वे होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं एक बार दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों को डाउट था नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होता है, उसके होने का तरीका ये होता है, जिस शिफ्ट में सबसे ईजी पेपर आया था वहाँ पर जिसके सबसे कम मार्क्स पहुँचे होते हैं, यानी जो कट ऑफ के नज़दीक होता है, तो जिस शिफ्ट में सबसे टफ आया था उसको वहाँ पहुँचाने तक उस शिफ्ट के हर बच्चे के मार्क्स जो है इंक्रीज आता है। मान लो जिसमें मैं, जिस शिफ्ट में मेरे 60 आए थे, मेरे 10 मार्क्स हो गए, मेरे को 70 बनाया गया, उसी शिफ्ट में किसी के 90 मार्क्स भी होंगे तो उस 90 वाले के भी 10 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, 100 बनेंगे। और इवन एसएससी में तो ऐसा भी होता है कि अगर 100 मार्क्स कंप्लीट भी आए हैं और नॉर्मलाइजेशन की चक्कर में उसके 10 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो ही हैज़ गॉट 110 आउट ऑफ 100 ऑल्सो, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो इट दिस इज़ अ नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली।
तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है एसएससी की। और गाइस कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है ऐसी कि आप लोग जो कर चुके हो ना, आपको अपना रॉ स्कोर पता है, आप अपने रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग अपने आप को समझ सकते हो कि आपका अगर नॉर्मलाइजेशन मैक्स टू मैक्स कैसे जाता है। मैंने तो मतलब जितने मैंने एनालाइज किए हैं, आई हैव सीन इट हैज़ गॉन फ्रॉम मार्क्स 7 टू 22 ऑल्सो। तो 22 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन चले जाता तो आप तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मान लो आपकी शिफ्ट का पेपर टफ है एंड यू आर गेटिंग 143 मार्क्स, तो उसमें 22 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 165, तो आपके 165 मार्क्स बन गए। तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस भी हैं और कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल रहने के भी चांसेस, तो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने रॉ स्कोर्स इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। और गाइस मज़ा आ रहा है ना वीडियो में, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ो अपने, जो आप छोड़ते हो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छे कमेंट्स छोड़ रहे हो, तो वो छोड़ते रहो। और मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो इस चक्कर में वीडियो बिल्कुल प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ देखो, आपकी रिक्वेस्ट थी कि नॉर्मलाइजेशन पे जल्दी वीडियो डाल, तो मैंने नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बता दिया है आपको, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आखिर में होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल चुकी होगी आई होप। और अभी हम एसएससी स्टेनो पे लेके एक और ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं, मेरा उसका एक्चुअल में सारा कंटेंट तैयार है, बट आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वे टू मेक द वीडियो, तो वो भी मैं जल्द ले आऊँगा। आई थिंक टिल संडे यू विल बी गेटिंग दैट वीडियो, एंड इट विल बी द स्कोर इफ़ यू टेक द हाइएस्ट नॉर्मलाइजेशन इन एसएससी स्टेनो। हम हाईएस्ट तो नहीं, हम ले लेंगे 15-20 तक का नॉर्मलाइजेशन लेके चलेंगे कि किस किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसमें बस आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, वो ये करना है कि आप जब मेरे को अभी कमेंट सेक्शन पे अपना जो रॉ स्कोर बताओगे ना कैटेगरी के साथ, प्लीज़ रॉ स्कोर बताना कैटेगरी के साथ, और अपनी शिफ्ट का खुद से एनालाइज करके मेरे को बता देना कि आपकी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट लगी आपको या ईजी लगी, वो आप खुद से बताना। और अगर जैसे मान लो एक ने कमेंट किया, उसने कहा यार मेरे को टफ़ लगी, उसी के नीचे प्लीज़ अगर उसी की शिफ्ट का कोई बच्चा वहाँ पे देख रहा हो तो वो भी उस शिफ्ट के नीचे बताना कि ये वाकई में टफ़ थी या सिर्फ इसी बच्चे के लिए टफ़ थी, ताकि उससे ना कन्वेंस करने में आपको खुद को ईजी पड़ता, आपको क्लियर हो जाता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं भी होते तो आप समझ जाते हो कि या आई एम गोइंग टू स्कोर और नॉट, तो वो आपको खुद से बता होता है, वो किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान रखना, और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियोस मिलने वाली हैं आपको, बहुत अच्छा, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, मेरे को बहुत खुशी हुई। चैनल यार वीडियो अच्छा लगता है ना, सबसे पहले अगर पसंद आए वीडियो में, अगर आपके डाउट्स क्लियर होता है लाइक कर दिया करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मीट टुमारो, ओके।